بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ। उम्मीद करती हूँ आप सेहत व तंदुरुस्ती के बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज का वजीफ़ा ख़ास तौर पर हफास्ते हमल के लिए है और ये वजीफ़ा हफास्ते हमल के लिए बहुत ही पुरअसर साबित होगा। इसके साथ साथ माल दौलत की हिफाजत, दुश्मनों से हिफाजत, जानवरों से हिफाजत, ख़तरात से महफूज रहने के लिए आपको सिर्फ या रकीब ए निगहबान का वजीफ़ा करना होगा। इसका विर्द आपने कैसे करना है, इसका अमल आपने कैसे करना है, इसको बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। या रकीबू, दुश्मनों से हिफाजत, हमल की हिफाजत, माल दौलत की हिफाजत और जानवरों से, चोरों के ख़तरात से महफूज रहने के लिए अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं तो अपने घर की हिफाजत के लिए, अपने दरो दरबार मकानात की हिफाजत के लिए आपने सिर्फ ये करना है कि या रकीबू को 111 मरतबा पढ़ना है और पढ़कर आपने पानी पर दम कर देना है और वो पानी आपने अपने मकान की दीवारों पर छिड़क देने हैं। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फ़ज़ल, उसके करम, उसकी रहमतों से आप जब तक घर वापस नहीं आएंगे आपका वो मकान अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेगा, हर किस्म के चोरों के दुश्मनों से ख़तरात से महफूज रहेगा और आप अपने सफ़र से बाहिफाजत वापस घर आ जाएंगे। लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको हमें आसानियाँ बाँटने का शर्फ़ बख्शें। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।